का चाह रहे कि हम भी लव मैरिज करें, मैरिज कीजिए। हाई पापा के पूरी हम खुबेरी ले बनाई ले, तवार लिखल बा के सोमार लिखल बा, तोहरा बहनी के कई गो भतार लिखल बा, तनिता कलेजे से मेरा इशारे समझते होंगे। आपका इशारा पूरा लोग समझता है कि आप का चाहती है, उसमें दिक्कत नहीं है। के कहिल जादी खुश हो, पिया दो हमके ये राजा जी बनना के भूस हो। नमस्कार, अभी हम गोरखपुर के लखनापार में हैं और मेरे साथ जो है रागिनी विश्वकर्मा है, जो अभी बहुत ही झूलूर दादा के साथ भी ये ट्रेंडिंग कर रही थी और ऐसे भी पहले से ही ट्रेंडिंग में रहती है। तो सबसे पहले रागिनी जी, आपका स्वागत है बीबीसी न्यूज में। धन्यवाद है और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है तहे दिल से। जुड़ने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए पूछिए, आप क्या पूछेंगे। अच्छा, पूछना ये चाहते हैं कि आप अपनी जो शुरुआत है कहाँ से की है? शुरुआत इस तरकुलहा से की। अच्छा, अब कब आपका गाना वायरल हुआ? वहीं से हुआ। कितना दिन हो गया? दो तीन महीने के बाद वायरल होना चालू हो गया। पब्लिक का बहुत प्यार कर रही है इस लाइन बजाने गाने का। 8 साल से। हाँ। और वायरल हुई इधर? नहीं, इस लाइन में नहीं थे, तरकुलहा मंदिर में गा रहे थे। उस समय से आप वायरल चल रही हैं। अच्छा, चलिए, जो आपका जो गाना वीडियो नहीं बन रहा था। अच्छा। जिस टाइम हम लोग गा रहे थे उस टाइम 1.5 साल से मैं वायरल हुई। अच्छा, 1.5 साल से वायरल हुई है। अच्छा, एक सुंदर सा गाना सुनाइए जो आपका वायरल चल रहा है अभी। ना जानी पेप्सी हम सब ना कोको कोला, मन ठंडी ना जानी मिरिंडा का होला, चाहता में हरी के तैल जादी खुश हो, पिया दो हमके ये राजा जी बनना के जूस हो, पिया दो हमके ये राजा जी बनना के जूस हो। आपका गाना तो सब वायरल ही चलता है। और ये जो आपका राग है ना, ये देखिए कि एक छोटे लेवल से है। पहले ये शायद हमें पता चला कि ट्रेन में भी अगल बगल में शायद कई बार आप गाने बजाने में हम लोग देखे हैं वीडियो, लेकिन वायरल चलती थी। और सोचिए कि इसकी बड़ी मुकाम नहीं मिला है, लेकिन अभी भी बड़ी मुकाम हासिल करने पे आप लगी है। मिलेगा ऑफर बड़े लोगों के साथ जाएंगी कि नहीं? मेरे ऊपर तरकुलहा माँ का आशीर्वाद रहेगा और दिवाकर सर जी का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं अपने आप चले जाऊंगा। पब्लिक का सपोर्ट रहेगा, पब्लिक का सपोर्ट रहेगा। हाँ, तो चल जाएगा। अच्छा, एक और गाना सुनाइए थोड़ा दर्शकों। मेरा अभी आज रिलीज होने वाला एक गाना है, बताइए, पापा की परी। आजकल बहुत रील बन रहा है धमाधम, हम भी बनाते हैं रील। बताइए। शादी हमसे कैल पड़ी भारी, हम बानी नाम के नारी, खाना पीना कहियो नहीं घर न बनाई ले, हाई पापा के परी हम खुबेरी ले बनाई ले, बानी पापा के परी हम खालीरी ले बनाई ले। अच्छा, पापा के परी है तो शादी में कीजिएगा लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, मम्मी पापा के मर्जी से। आजकल तो सब लोग लव मैरिज शादी कर रहा है। क्या चाह रहे कि हम भी लव मैरिज करें? अरेंज मैरिज कीजिए। हाँ। यानी इनको पता है कि लव मैरिज में क्या भुगतना पड़ता है, आगे चल के क्या दिक्कत होती है ना जी? नहीं, अपनी नसीब नसीब की बात होती है, बाकी मैं अपनी मम्मी पापा की पालन करना चाहती हूँ। अगर जो मैं नहीं भी शादी करूँ तो मैं जीवन भर मम्मी पापा की मतलब सेवा करना चाहती हूँ। मतलब सीधा चाहती है कि आपके भी दरवाजे पर मारो हले या द्वार पर बारात आए, धूमधाम से शादी हो। हाँ, यही ना चाहती है। देखिए, मतलब यही चाहती है, सीधा सीधी आपका कहना यही है। अच्छा, चलिए, उसमें शादी में जो गीत होता है उसमें का सुनाइए थोड़ा। आप तो देखो इतने बच्चे भीड़ लगा दिए हैं। तनी ताकला देवलिया पका लिखल बा, तनी ताकला ये तवार लिखल बा के सोमार लिखल बा, तोहरा बहनी के कई गो भतार लिखल बा, तनी ताकला देवलिया पका लिखल बा। खतरनाक गाना है जो शादी वाला गीत गाई है और अपने खुद से ही झूम उठी है। और
चलिए एक और पब्लिक मैंने चुराग दे दिया है अच्छा। उसके लिए मैंने आता है ठीक है अच्छा। आप चलिए अगर से मेरा इशारा समझते होंगे आपका इशारा पूरा लोग समझता है कि आप कहा चाहती है उसमें दिक्कत नहीं है कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी का इनके बारे में कमेंट कीजिएगा कि कैसे ये जो हंसी है इनका कैसा आपको लगता है। अच्छा सुनने में आया है कि जितना इधर सिंगर लोग है 5,000 का उठलाली लगा रही है लोग अभी सुने कौन बोला है आपको आपको बता देंगे तो क्या रियलिटी बात है कि आप 5-10 हज़ार का उठलाली लगा कर तब मार्केट में निकल हम तो नहीं लगाते हैं 5,000 का 10,000 का अच्छा कितना का लगाते हैं चलिए आपको घर का पूरा पतरा खोल के दे देते जो पतरा जो 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 भी नहीं होगा वो भी बता देंगे मतलब दर्शक को दिखाने के लिए आप लोग नहीं सुनिए दर्शक को दिखाने के लिए लगता है और समझिए कि अभी हमें रागिनी विश्वकर्मा के साथ थे और ये वायरल लड़की है शादी शुदा नहीं की है शादी होने वाला है जल्द ही करेगी मतलब करने वाली है और इनके साथ मेरा प्रयास कहता रहा जी रही है अच्छे से जी रही है बहुत अच्छा सुकून है भगवान करे आपको लंबा उम्र मिले 100 साल से ज्यादा जी हम यही चाहते हैं ताकि सारे लोग ऐसे ही आपको देख के लगाते रहे छोटे छोटे बच्चे भी दिखा दीजिए चलिए मेरा प्रयास इनके साथ कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो शेयर कीजिएगा और रागिनी विश्वकर्मा के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा इनके बारे में लिखिएगा जय हिंद।